गाइस, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लोगों की परेशानियों को एक्सप्रेस किया था कि एसएससी वालों के साथ गलत हुआ है। तो उस वीडियो पे बहुत सारी कमेंट आई, आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे थे मेरा एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए। और वो वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली थी जिसकी वजह से काफ़ी ये बात एसएससी तक पहुँची और एसएससी ने फैसला लिया है कि आपका एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा। तो आप देख लीजिए किस किस तरीके की कमेंट लोगों ने करी थी। ये देखिए, हैशटैग भी रैंक कर रहा था, रिकंडक्ट एसएससी एग्जाम, रिकंडक्ट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। लेकिन अभी बात क्या आ रही कि बात जो बच्चों 15 वालों का तो रिकंडक्ट होगा, लेकिन 16 वाले बच्चे कह रहे हैं कि मेरा भी होना चाहिए, यानी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी है। तो आप बताइए कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए। 15 वालों का तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए मैं इसमें उस नोटिस आपके डाल देता हूँ जिसमें आप देख पाए। हेलो एसएससी एस्पिरेंट, अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट में बहुत सारी दिक्कतें आई, तो उस पर ढेर सारी कमेंट आई थी लोगों की कि रिकंडक्ट होना चाहिए। और वो वीडियो पे आपने काफी ज्यादा प्यार दिया और उसको शेयर किया, जिसकी वजह से एसएससी तक वो बात पहुंची है और एसएससी ने फैसला लिया कि 15 तारीख की शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी, जिसके जिसके साथ प्रॉब्लम है उसका रिकंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन। मैं इसी वीडियो में नोटिस डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों का कराया जाएगा रिकंडक्ट, और आप इसके लिए रेगुलर वेबसाइट एसएससी की चेक करते रहे और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं ये फैसला सही हुआ कि गलत हुआ।